हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज असीं गल करांगे यूएसए दे इमीग्रेशन सिस्टम बारे, की लेटेस्ट अपडेट आई है। और दूसरे नंबर ते असीं गल करांगे यूएसए दी सुप्रीम कोर्ट वल्लों इमीग्रेशन नूं लै के कुछ डिसीजन ले गए ने, उन्हां बारे भी असीं इस वीडियो विच जानकारी देवांगे तुहानूं। सो जेकर अजे तक तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, थल्ले सबसक्राइब बटन ते क्लिक करो, तां जो जो भी लेटेस्ट अपडेट आवे इमीग्रेशन बारे, डीएमबी, टीएलसी जां फिर स्टीमलेस पैकेज बारे, वो तुहाडे तक पहुंच सके। और वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करया करो, ताजो इनफॉर्मेशन सारे तक पहुंच सके। सो शुरू करते हैं, सब तो पहला गल करते हैं यूएसए दी सुप्रीम कोर्ट दी, जिसने कि प्रेजिडेंट ट्रंप दे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिहड़ा चैलेंज किया गया सी कैलीफोर्निया दे सेंचुरी लॉ नूं, उस नूं रिजेक्ट कर दिता है। सो तुहानूं दस दईए, प्रेजिडेंट ट्रंप जो कि लगातार कह रहे हैं कि जेकर कोई भी व्यक्ति यूएसए दे विच इलीगल रह रहा है, अनडॉक्यूमेंट हैगा वह, तो उसनों तुरंत डिपोर्ट किया जाए। सो जिस वास्ते उन्होंने सारिया स्टेटा नूं कहा सी कि जेकर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट दे विच कोई भी क्राइम करता फड़िया जाता या फिर कोई भी इवन ड्राइविंग का वायोलेशन करता फड़िया जाता है और उसनों जेल हुंदी है, तो सब तो पहला उस बंदे नूं उसका इमीग्रेशन स्टेटस पूछा जाए। और जेकर वह बंदा अनडॉक्यूमेंट या इलीगल हैगा वह, तो उसके बारे जी फैडरल इमीग्रेशन एजेंसी हैगी है जिवें आईस हैगी है, उसनों इनफॉर्म किया जाए ता जो असी उस बंदे नूं डिपोर्ट कर सकीए। पर यूएसए दीआं कई स्टेटां कई शहरां दे विच सेंचुरी लॉ नूं फॉलो कीता जांदा है। सो सेंचुरी लॉ दे बारे तुहानूं थोड़ी जानकारी दे दिंदे हां, जेकर यूएसए दी कोई भी स्टेट जां सिटी दे विच सेंचुरी लॉ नूं फॉलो कीता जांदा है अते उत्थे कोई भी बंदा वायोलेशन करदा फड़िया जांदा है, भावें उसका जिहड़ा स्टेटस हैगा है वह अनडॉक्यूमेंट है, इलीगल हैगा यूएसए दे विच, उसनों सिर्फ उसके वायोलेशन की सज़ा दी जाती है अते सज़ा खत्म होने तो बाद उसनों छड़ दिता जाता है अते उसके बारे जिहड़ी फैडरल इमीग्रेशन एजेंसी हैगी है उसनों नहीं दस्या जाता, क्योंकि उन्हों का कहना है कि किसी भी बंदे का इमीग्रेशन स्टेटस पूछना अते उसके बारे फैडरल इमीग्रेशन एजेंसी नूं दसना ये लोकल अथॉरिटी का काम नहीं हैगा वै। सो जिस करके प्रेजिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कैलीफोर्निया के सेंचुरी लॉ नूं चैलेंज किया गया सी कोर्ट विच, जिसनों के सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा रिजेक्ट कर दिता हैगा। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि किसी भी स्टेट या लोकल अथॉरिटी की यह जिम्मेवारी नहीं है कि किसी भी बंदे का इमीग्रेशन स्टेटस या फिर अनडॉक्यूमेंट बंदे बारे फैडरल इमीग्रेशन एजेंसी नूं दसना। तुहानूं दस दईए, कैलीफोर्निया तो इलावा न्यूयॉर्क अते होर कई स्टेटां अते कई शहरां दे विच सेंचुरी लॉ नूं फॉलो किया जाता है। दूसरा जिहड़ा फैसला आया हैगा सुप्रीम कोर्ट वल्लों वो डाका एक्ट नूं लैके आ, इसनूं ड्रीमर्स एक्ट भी कह दिंदे हैगे। सो इसके बारे थोड़ी जानकारी दे दिंदे तुहानूं, जदों प्रेजिडेंट ओबामा सीगे उन्होंने 2012 विच इस एक्ट नूं लागू किया सी। इस एक्ट दे जरिए उन्होंने कहा सी कि जिहड़ा भी बच्चा जिसकी उम्र 16 साल तो घट है, वो अपने माँ प्यो दे नाल यूएसए दे विच आया हैगा अते जो ओदी उम्र 15 साल की हो जाऊगी, उसनू 2 साल का वर्क परमिट दिता जाऊगा ता जो वह इत्थे काम कर सके, हर 2 साल बाद वो अपना जो वर्क परमिट है उसनू रीन्यू करा सकता है, उसनू डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और ना ही उसनू ग्रीन कार्ड दिता जाएगा ना ही सिटीजनशिप दी जाऊगी, पर वह यूएसए दे विच रह सकता है। पर जदों प्रेजिडेंट ट्रंप आए हैगे आ, उन्होंने कहा सी कि इस डाका एक्ट नूं बंद किया जाए, और जिहड़े भी लोग इस डाका एक्ट के आधार पर इत्थे रह रहे ने वो इलीगल है, अनडॉक्यूमेंट है, उन्होंने अपनी कंट्री वापस भेजा जाए। सो इसनूं जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया सी, सो सुप्रीम कोर्ट ने हुण डिसीजन दिता हैगा कि प्रेजिडेंट ट्रंप इस डाका एक्ट नूं बंद नहीं कर सकते। सो तुहानूं दस दईए, डाका एक्ट के आधार पर जिहड़े लोग इत्थे यूएसए विच रह रहे ने उन्हां दी गिनती लगभग 7 लाख के करीब हैगी है। बाकी खबर यह भी आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा असाइलम नूं लैके एक नवीं पॉलिसी लियांदी जा रही है, जिसके जरिए वो जिहड़े लोग यूएसए दे विच बिना परमिशन तो इलीगली एंटर होए हैगे आ, उन्हां नूं वर्क परमिट देण तो रोक लगाई जा सकती है। सो बाकी असीं तुहानूं यही कहांगे कि कोई भी इलीगल काम तुसीं इत्थे यूएसए दे विच ना करो, और ईवन जेकर तुसीं ड्राइव भी कर रहे हो, गड्डी चला रहे हो, तो कोई भी वायोलेशन ना करो, गड्डी जिहड़ी चलाउंदे जिहड़े ड्राइविंग दे रूल्स हुंदे हैगे आ उन्हां नूं पूरी तरह फॉलो करो, गड्डी नूं तुसीं शराब पी के ना चलावो और ना ही स्पीड विच चलाओ, क्योंकि ये सारे वायोलेशन हैगे आ, सारे वायोलेशन नूं तुहाडे खिलाफ यूज किया जा सकता है, क्योंकि हुण जिहड़ा इमीग्रेशन सिस्टम हैगा जिहड़ा यूएसए दा उसनूं बहुत ही सख्त किया जा रहा है। सो ध्यान रखो अपना, बाकी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो जेकर तुसीं अजे तक नहीं किया हैगा। सो लेटेस्ट अपडेट वास्ते फिर मिलांगे नवी वीडियो दे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।